हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महास महाराजा अजय देवगन सर की आने वाली अपकमिंग मूवी मैदान, जो कि आप सभी को पता है 23 जून को थिएटर में आने वाली है। क्योंकि इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर खुद बोनी कपूर सर ने बताया है कि यह मूवी 23 जून को ही आएगी, और इस स्टेटमेंट के बाद इस मूवी के लिए जो फैंस का क्रेज है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और वही उसके साथ साथ जो अजय देवगन सर के फैंस हैं वो डेली बेसिस पर मुझे इंस्टाग्राम और एक कमेंट्स में यही बात पूछते हैं कि भाई इस मूवी का ट्रेलर कब आने वाला है, क्योंकि रिलीज डेट तो 23 जून कंफर्म हो चुकी है लेकिन इस मूवी को रिलीज होने में 20 से भी कम दिन बाकी हैं और अभी तक इस मूवी का ट्रेलर नहीं आया। क्या स्टेटस चला है, क्या होने वाला है, फुल डिटेल देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने हाल ही में आप सभी को अपडेट दी थी कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो ऑफिशियली कट हुआ हुआ है, यानी कि बनकर तैयार है, और अभी तक ये जो ट्रेलर है वो सेंसर बोर्ड को नहीं भेजा गया। यानी कि जब भी कोई मूवी आने वाली होती है तो उस मूवी का ट्रेलर पहले सेंसर बोर्ड को भेजा जाता है, वहाँ से सर्टिफाइड होकर आता है और फिर ट्रेलर लॉन्च होता है। और लेकिन मैदान मूवी का ट्रेलर अभी सेंसर बोर्ड को नहीं भेजा गया, जब सेंसर बोर्ड को भेजा जाएगा तब उस मूवी का जो ट्रेलर है वो वहाँ से सर्टिफाइड होगा एक या दो दिनों में, और उसके बाद इस ट्रेलर की रिलीज डेट निकल कर सामने आएगी और उसके बाद ये जो ट्रेलर है वो लॉन्च किया जाएगा। और मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं अभी तक इस मूवी के ट्रेलर की रिलीज डेट की नहीं आई, यानी कि अभी तक इस मूवी के ट्रेलर के रिलीज होने की कोई भी अपडेट निकल कर सामने नहीं आई कि कब ये ट्रेलर आने वाला है, कब इस मूवी के सॉन्ग्स आने वाले हैं। लेकिन इस मूवी को लेकर बोनी कपूर सर ने यह बता दिया कि यह मूवी 23 जून को आने वाली है, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है। जी हाँ दोस्तों, मुझे 110% यकीन है कि ये मूवी पोस्टपोन होगी, और अगर पोस्टपोन होगी तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, हमें जरूर कमेंट करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम वीडियो को देख सकें।